बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का, गुरु महाराज जी का, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, गुरु महाराज जी की कृपा हुई है, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की कृपा हुई है। लंबे समय के बाद ये समय आया है, सभी एकत्रित हुए हैं, तो सत्संग सिमरण का जो माहौल बना है ये बाबा बालकनाथ जी की कृपा है, गुरु महाराज जी की कृपा है, क्योंकि गुरु महिमा जो है वो अपरंपार है। गुरु महिमा का बखान करना बहुत जो है अनंत है, अनादि है, वो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें भी कुछ एक महिमा है कि बाबा बालकनाथ जी महाराज देखिए इस धरती पर आए, यहाँ पर आए, दीक्षित में आगमन हुआ, सात लाई में हुआ, तो उन्होंने कर्म किया, उन्होंने कृपा रची, एक रचना रची, और उसी का जो एक अंश स्वरूप है जो ये बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का स्थान है, उनकी जो गद्दी है, उनकी महिमा जो चली आ रही है, ये उसी का अंश है। हम उनके जो हैं सानिध्य में है, उनकी महिमा है, उन्होंने गुरु महाराज जी को, हमारे गुरुजनों को सेवा लगाई, उसी रूप में आगे आ गया जो है व्यवस्था चली आ रही है, और गुरु महाराज जी की जो कृपा हुई है, तो हम आपके सामने हैं, हम यहाँ पर है, ये कृपा है, यही कृपा होती है। तो आज के कार्यक्रम में सत्संग सिमरण चल रहा है, भजनों से आपको गौरव जी ने निहाल किया, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत बाबा जी की कृपा है, तो इसी तरह आगे दिन दुगनी रात चौगुनी करें, कृपा रहे, और सभी भक्तजनों भी बाबा जी कृपा करें, यही हमारी कामना है। तो ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट में कुछ एक चीज़ें आपको मैं कहना चाहता हूँ, और उनको आपने अमल करना है, उसमें किंतु परंतु नहीं है, और क्यों ज़्यादा स्पष्ट होती हैं मेरी कुछ एक चीज़ें। तो आप बाबा जी के लड़ लगे हैं तो सीधा सीधा मानिए, देखिए सीधी व्यवस्था है, आपका श्रद्धा विश्वास जो है वो अखंड होना चाहिए, आपकी बाबा जी के प्रति, उनके प्रति जो श्रद्धा है अखंड रहे, जो आपको हम बता रहे हैं नियम जप तप जो, उसको करते रहें, बाकी ज़्यादा व्यवस्थाओं में ना पड़े, क्योंकि सीधी सीधी व्यवस्था है, सीधा संपर्क रखें, क्योंकि हम मानेंगे, मांगेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तभी ये चीज़ें फलीभूत होंगी। अगर हम सोचते हैं हम पढ़ते रहें, पढ़ाई जो है एक जो है व्यवस्था है कि उसके बारे में जानकारी है, लेकिन जब आप इन चीज़ों में प्रैक्टिकल रूप में, प्रयोगात्मक रूप में जब आप जाएंगे, तब जो है उसके विपरीत हैं सब व्यवस्थाएं। तो अपने अनुभव जो है उनको ग्रहण करें, तो आप अपने अनुभवों से ही जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, बाबा बालकनाथ जी महाराज हैं, हमारे देवी देवता हैं, हमारे ऋषि मुनि ने जो शक्तियों का जो सृजन किया है, आप उनको अपनाएं, उन परंपराओं को अपनाएं। आजकल एक थोड़ा ज़्यादा जो है एक जो है उसको मैं जो ये कहता हूँ कि एक अंधभक्ति भी है और अंधश्रद्धा भी है, तो उसमें आपकी भक्ति जो है अंध होनी चाहिए, लेकिन भगवान ने उसके पश्चात भी आपको कान दिए हैं, आंखें दी है, देखने सुनने के लिए मस्तिष्क दिया है, हृदय दिया है, हर चीज़ को महसूस करें, देखें सुने आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा, उस अनुसार उस चीज़ों को, तभी ये चीज़ें आपको दी हैं कि उनका प्रयोग भी करें और उनको यूज़ करें, ताकि क्या करना है, सोचना है, विचारना है, उसके बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, तो ये चीज़ें आपको सभी जो अंग दिए हैं उनका कोई ना कोई हमारे जीवन में कार्य है, ताकि अपने मस्तिष्क को बंद कर ना चले, अपने मन को बंद करके ना चले। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जो स्थान है, पीठ है, कलयुग अवतार हैं बाबा बालक ने, और कलयुग में महिमा है, ये उनकी महिमा का ही यहाँ पर गुणगान हो रहा है, तो उसको अपनाएं, अपने अनुभव करें, अपनी इच्छा शक्ति जो है, अपनी मन की शक्ति जो है उसको प्रबल करें, ना कि सुना, खाया पिया,
नाचे गाए काम खत्म, तो उसमें नहीं है, सिमरन में बैठे समय लगाएं, सुबह शाम समय दें, अपने आप को भी समय दें, पूजा पाठ में समय लगाएं, बैठें, फिर उसके बाद अपने अनुभव देखें कि आपके अंदर उसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या है, अपने मन की भी सुने। बाहरी बातों में, संसारिक बातों में उलझे रहते हैं ज़्यादातर भक्तजन कि अब ये हो गया, ये हो गया, लेकिन आप अपना कर्म कर दें, उसके पश्चात जो है भगवान पर छोड़ दें, अपने गुरु पर छोड़ दें कि हमने अपना काम कर दिया, आगे आपका काम है। तो उसमें अखंड विश्वास श्रद्धा जो है वो सबसे जरूरी है, तो उसको अपनाएं। और कुछ भी करना है तो अपनी इच्छा शक्ति जो है आपकी उसको प्रबल करें। आपकी इच्छा शक्ति जो है इतनी होनी चाहिए कि हमने ये कार्य करना है, जैसे मर्जी हो, जप तप नियम से प्रयोगात्मक रूप से किसी भी तरीके से उसको करें। और एक टारगेट बना लिया, उसको करना है तो करना, जब आप चल पड़ेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, लेकिन जब तक आप चलेंगे नहीं, ठहरे रहेंगे किसी चीज़ में, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में कार्य हो, प्रगति हो, पढ़ाई में हो, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक उसमें आगे बढ़ना चाहते, ये चीज़ें तभी हो सकती हैं। मन की शक्ति जो है वो सबसे बड़ी है, तो इसलिए मन की शक्ति को, मन को जो है उसको प्रबल करना पड़ेगा, वो अध्यात्म से ही हो सकता है, योग प्रक्रियाओं से हो सकता है, ध्यान से हो सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उन चीज़ों को अपनाएं, वो तभी चीज़ें आपको ध्यान भी लगेगा, जब आप ध्यान में बैठेंगे सिमरन करेंगे तो उसमें भी ध्यान लगेगा, और फिर आपको अनुभव होने शुरू होंगे। तो इसलिए अपनी इच्छा शक्ति उसको प्रबल करें, और जैसा कि कहते हैं कि हमारे जी हमारे पर कृपा है, बाबा जी की या प्रभु की कृपा है कि नहीं है, कब होगी, तो वो तभी होगी जब आपको अनुभव होने लगेंगे, तभी लगेगा, जब आपका जप तप नियम सिमरन सफल होने लगेगा, आपको अनुभव होने लगा कि हम ये कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, आपके मन जो है शांत होना चले शुरू होगा, दिमाग शांत हो गया, बाहरी चीज़ों से आप कटना शुरू कर देंगे ये चीज़ें, तब आपके वो अनुभव जो है आपके काम आएगा, ये चीज़ें तब आपको पता लगने कि इसका मतलब है, अगर आपके जब तक नियम सब सफल हो रहे हैं तो आपकी जो है भक्ति सफल हो रही है, उसके पश्चात आपके कार्य सिद्धि, आपके भंडार जो हैं वो हैं भरे हुए हैं, और सब चीज़ें जब आपको जो भंडारण है, खाने पीने हर चीज़ की बांट कर खाने पीने की प्रवृत्ति आने लग जाएगी, वो चीज़ें तब सफल होने लगी, तब आपको अनुभव होने लगेगा, क्योंकि आप उस राग द्वेष से जो है कटना शुरू होंगे, तब ये चीज़ें आती हैं जीवन में, वैसे नहीं आएंगी, नहीं तो ईर्ष्या से भरे पड़े हैं सभी, वो देख रहे हैं कि उसके पास गाड़ी है तो मैंने भी वही लेनी है, चाहे अपने ऊपर जो है आप ऋण चढ़ा लेंगे, फिर वो उतरेगा नहीं, फिर रोएंगे उसके लिए, उतर नहीं रहा, फिर बेचेंगे, वो सारा जीवन अस्त व्यस्त कर लिया है। तो जीवन आपको जीने के लिए मिला है, ना कि ईर्ष्या देव सदी इत्यादि, या दूसरे को देखकर हम खुद के लिए बड़ा बने, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आ रहा है जा रहा है, जीवन जो है जो है आवागमन है, इसमें आपको जो आया है जिसने उसने जाना भी है, तो उसमें भी ज़्यादा भरोसा नहीं रखे, ना कि हम 100 साल ही जिएंगे, 200 साल ही जी लेंगे, तो ऐसा भी कोई पता नहीं है। तो ऐसे जीवन जिए ताकि आप शांतिपूर्व रहें, खाएं भी पाएं भी अच्छा, पाएं अच्छा, बोलें अच्छे से रहें, और अच्छे से जो है अपना जीवन यापन करें, सदाचार पूर्वक सभी से मेल मिलाप रखें, क्योंकि बोलबानी है, इसको जैसी मर्जी आप कर लें, आप वैसे ही उसी से ही जाने जाओगे, तो इन चीज़ों को अपनाएं। तो इसी प्रसाद जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं आवागमन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जब फूल खिलता है, आज फूल खिल गया, कल जो है वो मुरझा जाएगा, परसों जो है वो फूल में मिल गया, एक दिन फूल खिला, फूल ने फूल से पूछा कि
आज खिला कल मुरझा गया, परसों मिल गया धूल। फिर फूल ने फिर पूछा फूल से कि फिर तू क्यों खिला? अरे फूल, क्योंकि जब ये चीज हम खिल भी रहे हैं और क्योंकि दूसरे ने आना है, ये पत्तियां हैं, टहनियां टूटेंगी पेड़ों की तो नई पत्तियां आएंगी। ये ही ऐसे ही हमारे भी अजीव जंतु प्रकृति जो है ऐसे ही है, तो इसके लिए आप जो है ये चला रहना है, तो उससे ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। जो चीज़ स्थाई होगी आपके पास रुकेगी, जिसने जाना है उसने जाना है, आप जो मर्जी कर लें तो उसके पीछे इतना भी ना भागें कि आप अपना जीवन भी खराब कर लें। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग बता रहे हैं, और कलयुग की महिमा है कि कलयुग केवल नाम अघारा, इसमें नाम सिमरण संकीर्तन यही आपको इस चीज से पार लगा सकता और यही आप में बदलाव ला सकता है। तो इसके लिए अपना सिमरण करें, भक्ति अपनी स्थाई करें। भक्ति तभी स्थाई होगी जब आप बैठेंगे और स्वयं को जो है समय देंगे, इस भीड़ भाड़ से जो है थोड़ा खुद के लिए समय दें, एकांत आपको थोड़ा चाहिए, तब ये चीजें जागृत होंगी। अगर हम सोचें संसार में भाग में चले रहेंगे, मेरे बिना ये काम नहीं होगा, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, एक अंध दौड़ है, तो ऐसा कोई काम नहीं है सृष्टि में जो आपके बगैर नहीं होगा। सब काम होंगे, आप थे तब भी कार्य चल रहा था, हम थे तब भी था, नहीं है तब भी है, ये चला रहना है। दो चार दिन का होता है बस, उसके पश्चात ठीक है जी हो गया, चल पड़े अब आगे बढ़ो। तो उसमें जितना जीवन मिला है उसको अच्छे से जिए, यही मैं चाहता हूँ और यही आपको कहना चाहता हूँ। तो आज के समय में भजन संकीर्तन की जो महिमा है यही सिर्फ आपको पार लगा सकती है, और उसके आप करें अपने कार्य भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे संस्कार दें, अच्छी संस्कृति में संजो के रखें, तभी ये चीज़ें आपकी जो है सफल होंगी। अन्यथा जो है आज का जो समय है इसमें विभिन्न तरह की जो समस्याएं भी हैं, चाहे आपका खान पान रहन सहन है, हर चीज़ जो है बाहरी है और इसमें ही जो है वृत्तियां हैं जो आपको अंदर अंदर आपको खोखला कर रही हैं। तो खुद के लिए समय दें, सबसे पहले अपना खान पान सुधारें, उसके पश्चात आप शरीर को समय दें, क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर होगा तभी आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप जो है ना तो पाठ सिमरण में ध्यान लगेगा, ना ही आपका अन्य कार्य में ध्यान लगेगा। तो इसलिए स्वस्थ शरीर रखें, नियम पूर्वक जीवन प्रबंधन बनाएं, समय से उठें, समय से खाएं, समय से सोएं, समय से अपना सिमरण में एक प्रबंधन बना ले अपने के लिए, वो आप स्वयं ही कर सकते हैं, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये हमने यह करना है, एक निश्चित कर लें और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बनाएं, तो उससे योगा और सृष्टि में जो है देवी देवता हैं, हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं, हमारी देवियां हैं, नव देवियां हैं, दस महाविद्या हैं, ऋषि मुनि सब यहाँ विचरण कर रहे हैं, सृष्टि पर देव देवता का वास है, लेकिन जब हम उनको पुकारेंगे उनके बैठेंगे तभी वो कृपा बरसाएंगे। तो इसलिए कृपा चाहते हैं तो खुद का हृदय भी विशाल रखें और पात्र भी बड़ा, बड़े पात्र बनेंगे तो बड़ी कृपा तभी आएगी। तो जीवन में संकट भी आने हैं ये भी निश्चित रहें, उसके लिए भी तैयार रहें। ऐसा नहीं है कि आपका ठीक चल रहा है तो दुख भी आएंगे, तो पहले से हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, सुखों के लिए भी दुख के लिए भी, क्योंकि आपने भोगने हैं, शरीर ने भोगने हैं, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहें। कोई परेशानी चिंता है प्रभु पर छोड़ दें, अपना कर्म करें और आगे बढ़ें, क्योंकि कर्म प्रधान है। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है आप आए हैं, बाबा जी से जुड़ें, सिमरण करें, क्योंकि मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि मैं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं आया बैठा हूँ यहाँ, मैं जोड़ने जाता हूँ उनसे जो परम शक्ति हैं, बाबा बालकनाथ जी महाराज हैं गुफा से, मैं एक उनका माध्यम हूँ आपके और उनके बीच में,
ये चीज़ें सीधी सीधी कुछ स्पष्ट हैं तो उनको समझ लें, जो कि थोड़ा मेरी बातें ऐसी होती हैं जो लेट समझ आती हैं, तो उनको थोड़ा विश्वास रखें और वो करें। आप करेंगे तो आपको समझ आएगा सब कुछ, कि हम माध्यम हैं, हम आपको रास्ता बता रहे हैं, आप उस रास्ते पे चलें, मेरे से मिले ना मिले, लेकिन उनको ना छोड़ें और उनको ना भूलें। ये परिवार में भी निश्चित कर लें और अपने पारिवारिक बच्चों को भी सिखाएं, आगे भी उस चीज़ को चलें। इसी से इतना करने मात्र से, उनको मानने मात्र से ही, जो नियम जब तब जो बताए गए हैं उनको करने मात्र से आपकी अधिकतम जो है समस्याएं जीवन की उससे खत्म हो जाती हैं। क्योंकि घर में एक अच्छा माहौल बनेगा, नेगेटिविटी नहीं होगी, अच्छा संचार होगा शक्ति का। वो तभी होगा जब आप उन पे पूरा भरोसा रखेंगे, अखंड विश्वास श्रद्धा जिसको कहते हैं। श्रद्धावान तो सभी हैं, लेकिन जब समय विकट आता है तो फिर सभी भाग लेते हैं। तो ऐसा काम नहीं, जहाँ अड़ गए, जो अड़े सो चढ़े, सीधी कहानी रख लो सीधी सीधी दिमाग में। आप किसी चीज़ को इच्छा शक्ति प्रबल कर लें, करना है तो करना, तब आप कर पाएंगे, अन्यथा असंभव है। जब आप डोलेंगे तो आगे वाला जो है 10 कदम और पीछे हटता, अभी आप ही नहीं चला रहे तो हम क्या चलाएंगे आपको। तो इसके लिए बाबा जी के चरणों में लगे रहें, उनका सिमरण करें। और सभी को आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पश्चात आपके लिए बिलगा ब्रदर्स सूफी गायक हैं, वो आपको अभी भजनों से निहाल करेंगे, आनंद उठाएं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सभी को भी आशीर्वाद शुभकामनाएं। जयकारा पौन हरि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सच्चे दरबार।